पा रहा है अभी कि नहीं पा रहा? अभी तो नहीं। गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं जा रहा? नहीं नहीं, वो कुछ हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट भी जाए तो खर्चे निकल आते हैं, पैसे चाहिए। वीडियो में से कोई अच्छा बंदा मिलता है जो आपका सहारा बनता है, आपके शोहर का इलाज करवाए, आप लोगों के कर्जे उतरवाए, तो अपनी बेटी की शादी करेंगी? हाँ जी बिल्कुल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज हम कैसी हम आज के पास मौजूद हैं, ये साथ आपको इनकी बेटी नज़र आ रही हैं, तीन इनके बच्चे हैं, दो इनकी बेटियां और एक इनका बेटा है। जो बेटा है वो अभी 12-13 साल का है और जो एक बेटी है उसकी इन्होंने शादी कर दी है, एक बेटी की इन्होंने शादी करनी है। तो बाकी हम स्टोरी इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आपके शोहर कहाँ हैं और क्या ज़रूरत पड़ गई आपको मीडिया के सामने आने की, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम। जो आपकी सारी स्टोरी है सामने जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं, इन्हें ज़रा देख के बता रहे हैं। मेरे मियाँ बीमार हैं भाई, तो उनको दिल का मसला है, मरीज़ हैं, शुगर भी है, काफ़ी बीमार ही रहते हैं। बेटी की मैंने शादी करनी है, बच्चा मेरा छोटा है, तो कुछ घर के मसाइल ऐसे हैं कि मुझे ये मूवी बनवानी पड़ गई है। मैं क्या मसला है घर में, क्या क्या मसला है आपके घर? काफ़ी मसले हैं कि कमाने वाला ही ठीक है, तो आपको पता है कि औरत जात अकेली किधर किधर काम करे। मेरा तो ये हाथ भी ख़राब हो गए हैं काम कर कर के लोगों के। मतलब आप लोगों के घरों में काम करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मेरी बच्ची की मैंने शादी करनी है, तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे साथ पूरी हेल्प करें। तो आपके शोहर के साथ दिल का भी मसला है, शुगर का भी मसला है, कब से है ये? काफ़ी अरसे से बीमार हैं, 3-4 साल से बीमार हैं। तो 3-4 साल से कौन कमा रहा है? ऐसे ही बस अपना गुजारा कर रही हूँ। आप भी जाती हैं काम पे? जी मेरी बेटियां भी करती हैं, एक बेटी की शादी कर दी है, अब एक की करनी है। ऐसे काफ़ी लोगों ने मेरे साथ हेल्प की है, अल्लाह ताला उनको जजा दे। तो मतलब वसाइल नहीं होंगे बेटी की शादी के लिए, तो लोगों ने मदद करके एक बेटी की शादी कर दी और अब दूसरी बेटी की शादी करने के लिए आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? जी जी यही बात है। तो अल्लाह ताला सबको ज़्यादा ज़्यादा दे, इतना मजबूर कोई भी ना हो जितने इस टाइम हम हैं। और आप मुझे ये बताती चलें कि दो वक्त की रोटी कैसे पूरी होती है आप लोगों की? अल्लाह ही है, और जो ये जिधर जिधर काम करने जाते हैं वो दे देते हैं। काफ़ी आपको पता ही कि जिसका मियाँ बीमार हो वो औरत किस हालातों में से गुज़रती है, तो जितना पैसा होता है मेरी मियाँ के ऊपर लग जाता है, तो घर की दो टाइम की रोटी भी चलानी बहुत मुश्किल है। और अब आप मुझे ये बताएं, जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी इनके सामने कि ये किस हद तक आपकी मदद करें? जी मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ दें। मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटी मेरी जवान है, बेटा मेरा छोटा सा है, एक बेटी की शादी कर दी। अच्छा, बेटा और कोई नहीं है? एक ही बेटा? एक ही बेटा है, तो जिनके वो भी अभी छोटा सा है। अच्छा। छोटा सा है तो इस लायक नहीं है कि वो हमें कमा के खिला सके, मतलब आपका सहारा बन सके। सहारा बन सके। मेरे मियाँ भी काफ़ी देर से बीमार हैं, दिल के मरीज़ हैं, शुगर है, उनको कोई टाइम नहीं है उनकी तबीयत ख़राब होने का, किसी टाइम भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं काम पे जाती हूँ तो कभी मुझे फ़ोन आ जाता है, आ जा छेती घर, आ जा अबू की तबीयत, मेरी बेटी कर देती फ़ोन, आ जा छेती घर, अबू की तबीयत ख़राब होगी, फिर हम कहीं ना कहीं उसे लेकर चले जाते हैं। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी सबकी, आप मेरे साथ बहुत हेल्प करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सारी स्टोरी अम्मा जी की ज़ुबानी जानी कि इनके जो शोहर हैं वो जो हैं शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, और इनकी एक बेटी की इन्होंने शादी कर दी है लोगों से मदद लेके, और एक बेटी की अभी शादी करनी है लेकिन इनके पास वसाइल नहीं है। तो अब आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि ये अपनी बेटी की शादी कर सकें। और अगर आप हमारी NGO में गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए, हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो अब आप नीचे हमारा नंबर शो रहा है, इस नंबर पर रबता करके आप हमारी NGO में डोनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी मदद करें। तो आप मुझे बताएं कि जिस मकान में रह रहे हैं, अपना या किराए पे? किराए क्या है भाई, कितना किराया दे रहे हैं आप? 8,000 किराया दे रहे हैं। अच्छा। तो 2-3 महीने का किराया भी चढ़ा हुआ है। 2-3 महीने का किराया भी है जी? वो भी देने वाला है? वो भी देने वाला है। मकान मालिक नहीं कुछ कहते? वो यही कहते हैं कि इसका मियाँ बीमार है,
तो वसाइल नहीं है इतनी सूरत के, तो मतलब एहसास कर लेते हैं। हाँ जी, एहसास बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, तो कितनी देर वो करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वो भी मुझे कह रहे हैं कि किराया दो, तो मैंने कहा कि मेरा मियाँ बीमार है, आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे। और आप मुझे बताएं कि बिल वगैरह, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये कितना आ जाता है आपको? ये भी काफ़ी वो आ जाता है, फिर भी मुझे ये 12-13 हज़ार में मकान पड़ जाता है। अच्छा, बिल वगैरह डाल के? हाँ जी, 12-13 हज़ार में किराया, ये बिल और किराया डाल के बहुत ज़्यादा ही है, तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आपका जो महीने का सारा आप कमाती हैं वो तो यहीं लग जाता है? हाँ, वो मेरे मियाँ पे लग जाता है, इसीलिए तो ये किराया चढ़ा है। अच्छा, तो नाज़रीन आपने सारी स्टोरी निकी ज़ुबानी जानी। अब ये जो सात बहना बैठी हैं इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। तो जी नाज़रीन, इन बहना से भी कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो आपके बहन भाई सामने कैमरे में आपको देख रहे हैं, इन्हें एक दफ़ा देख के ज़रा बता दें कि आपकी वालिद साहब के साथ क्या हुआ है? हार्ट पेशेंट है, शुगर के मरीज़ है, बहुत बीमार रहते हैं। बीमार है जी? बिल्कुल। इलाज होने वाला है उनका? जी बिल्कुल। तो शुगर के भी मरीज़ हैं, हार्ट के भी मरीज़ हैं। आप मुझे बताएं कि आपने कितनी स्टडी की है? मैं 7। 7 जी बिल्कुल। कितनी एज है आपकी? 20। तो 20 एज है आपकी और आपने बस 7? जी बिल्कुल। घर के हालात इस तरह के थे कि नहीं पढ़ेगी। अच्छा, घर के हालात इस तरह के नहीं थे कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें? जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना कि इनके घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें, और अब आपकी वालदा आपकी शादी के लिए आई हैं मीडिया के सामने। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना इनकी ज़ुबानी भी कि इनके घर के हालात ऐसे ही नहीं थे कि अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। इनकी एज जो है 20 ईयर्स है और इन्होंने बस 7 क्लासें पढ़ी हैं, तो अब इनकी वालदा के पास दोबारा जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो बेटी है 20 साल उनकी एज है, लेकिन उन्होंने बस 7 क्लासें पढ़ी हैं। घर के हालात ही ऐसे थे कि मैंने ये पढ़ाई छुड़ा के, तो फिर मैंने कहा कि चल तू मेरे नाल आ जाए कर, लोगों की मेहनत मशक्कत करनी होती है, मेरे से भी इतना काम नहीं होता, ये मेरे हाथ सारे ख़राब हो गए हैं काम कर कर के। तो आपको पता ही कि जो हालात हो जाते इंसान के, फिर ये मेरी बेटी का ही मुझे सहारा था, फिर मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा के अपने साथ काम पे लगा लिया। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हैं? हाँ जी। पढ़ रहे अभी कि नहीं पढ़ रहा? अभी तो नहीं। गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं जा रहा? नहीं नहीं, वो कुछ हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट भी जाए तो खर्चे निकल आते हैं, पैसे चाहिए हर काम के लिए, पैसे चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुना मेरा बीमार है, सीधी जाओ बात है, तो इस टाइम तो मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी मेहरबानी है कि जितनी भी मेरी हेल्प हो जाती है उतनी कम है। अच्छा, तो आप अब मुझे ये बताएं, अब आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई वसाइल भी नहीं है, तो अगर आपको वीडियो में से कोई अच्छा बंदा मिलता है जो आपका सहारा बनता है, आपके शोहर का इलाज करवाए, आप लोगों के कर्जे उतरवाए, तो अपनी बेटी की शादी करेंगी? हाँ जी बिल्कुल करूँगी, जब मेरा मियाँ ठीक हो जाएगा उसका इलाज कराएंगे, कर्ज़े उतारेंगे, जब मेरे बिल्कुल फ्री हालात हो जाएंगे, जो काबिल होगा बच्ची का रिश्ता कर देना उसके साथ, शादी भी करनी है। नाज़रीन, आपने अब सारी स्टोरी इनकी ज़बानी जानी, आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी। नीचे आप लोगों को इनका नंबर शो हो रहा है, डायरेक्ट रब्ता करके डायरेक्ट आपने जो भी बात करनी है इनसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे अम्मा जी को और इन बहनों को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।